हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अर चैनल पीसी एमबी डिजिटल ग्रुपल रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा जिसमें कि हमें यह बताया गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें ओ टू कंज्यूम होता है बिल्कुल सही बात है और सी ओ टू बाहर इवॉल्व होती है तो जो बाहर वाली चीज़ है वो ऊपर और अंदर वाली चीज़ को नीचे लिख लेते हैं हम रेशियो में और सी ओ टू कितना रिलीज होगी और ओटो कितना कंज्यूम होगा इसके रेशियो को रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहते हैं अब ये डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ को ब्रेक डाउन किया है किसको रिस्पायर किया है कि कितनी सी ओ टू और ओ टू आएगी कार्बोहाइड्रेट को करते हैं तो आर क्यू यानी कि दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं सी ओ टू और ऑक्सीजन कंज्यूम का रेशियो राइट तो उसमें आर क्यू वन आता है जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन सिक्स ओ टू जो कि कंज्यूम हुई और सी ओ टू जो इवॉल्व हुआ सिक्स तो सिक्स सिक्स डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा जबकि अगर हम फैट्स को यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन में तो आर क्यू वन से कम है क्यों क्योंकि वन जीरो टू सी ओ टू है जबकि वन फोर्टी फाइव ओ टू है तो रेशियो वन से कम ही आना था प्रोटीन्स यूज करते हैं तो ये रेशियो पॉइंट नाइन के आसपास आता है वॉट इज इम्पोर्टेंट टू रिकोगनाइज कि रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट सिंगल नहीं होता मोर देन वन होता है जनरली जब हम लिविंग सिस्टम में बात करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग